एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल मी एंड ही ब्लॉग से. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस. तो आज फिर हमारा एक नया ब्लॉग, ये जो अभी आप देख रहे हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड फ्रिक्वेंटली वो हमारे वीडियोज भी देखते हैं. एंड जो भी हमने घर हाउस वार्मिंग की वीडियोज डाले थे, इंटीरियर की वीडियो डाले थे, वो सारे वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, तो रियली थैंक्स टू यू. तो गाइस चलो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. एंड एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी, जो लोगों ने स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो यार, कुछ नहीं लगते हैं, बट आपके सब्सक्राइब करने से हमारा बहुत कुछ हो सकता है. सो क्रिएट गुड वीडियोस, गुड ब्लॉग्स एंड देन इंफॉर्मेशनल आल्सो. सो डेफिनेटली आई थिंक यू नो यू गाइस शुड सब्सक्राइब in order to you know stay updated. yeah so yeah and so aaj ka bhi video jo hai matlab it's mostly related to house interior itself. so house interior in the sense, so today we are heading towards IKEA Nagasandra. to chote mote cheeze lene hain like sofa set and all. so fir hum chalte hain wahan and dekhte hain ki hum wahan se kya lete hain apne new house ke liye. so just stay tuned. तो गाइज IKEA का जो हमारे घर से जो दूरी है वो है अराउंड 40 किलोमीटर. तो 40 किलोमीटर जाने के लिए हमें गूगल अभी दिखा रहा है 1 आवर. आज वीकेंड है बट मॉर्निंग है तो उतनी ट्रैफिक हमें नहीं मिल रही है. तो हम देखते हैं ओवरऑल कितने देर में हम वहाँ पहुँचते हैं. एंड करेंटली वी आर इन केआरपुरम. यस, तो फिर पहुंचते हैं एंड फिर आपको बताते हैं. IKEA ओपन होता है 10 o'clock, सो वी विल बी रीचिंग देयर बाय 11 o'clock. 11, सो दैट दोस गाइस विल वार्म अप फॉर 1 आवर. तो गाइस फाइनली हम IKEA पहुंच गए एंड हम सोच रहे हैं कि थोड़ा हम बाहर कहीं चाय वाय पी के एंड फिर अंदर जाएंगे, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है. तो हमारे दी एंड जीजू, आप लोग भी जाके चाय पी लो. ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए इसमें ये वर्ड बोला है, तो फिर हम भी जा रहे हैं चाय पीने एंड आप भी पी लो. तो हम पहुंच गए IKEA एंड हमने ले लिया बैग. अब शॉपिंग अपनी स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले हमने जो चाय बाहर पीना था, हमने कुछ नहीं मिला अच्छी जगह, तो हमने चाय मिस किया. तो अभी हम सोचे IKEA में ही ऊपर में हम आए यहाँ एंड ब्रेकफास्ट भी हमने सोचा कि कर लेते हैं. तो यहाँ ब्रेकफास्ट में ऑप्शन में उपमा एंड पोहा था, तो मैंने उपमा लिया एंड धीरज ने पोहा लिया. तो मैं यहाँ लेके जा रही हूँ एंड नाउ विल स्टार्ट आवर ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट के बाद अब है हमारी कॉफ़ी की बारी. तो यहाँ धीरज कॉफ़ी लेते हुए अब फटाफट कॉफ़ी पीना स्टार्ट करते. तो यहाँ कॉफ़ी पीते पीते हमने थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड किया एंड थोड़ी सी फ़नी कॉन्वर्सेशन हमारे. तो अब पी के एंड फिर यहाँ से हम निकलते हैं एंड अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी शॉपिंग जो है वो सोफ़ा से स्टार्ट करते हैं. तो एक्चुअली हमारे पास सेलसेप का जो सोफ़ा था, जो आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा, वो एक्चुअली हमने उसको चेंज कर दिया. तो या तो फिर ये यहाँ धीरज बैठ के देख रहे हैं सोफ़े का कितना कंफर्ट था. तो एंड जो भी सोफ़े के प्राइस हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, क्योंकि मुझे बाद में फिर इतना याद नहीं रहता. तो दिस कॉस्ट अराउंड 19,000 रुपीज़. तो ये सोफ़े का कॉस्ट है. एक्चुअली जो भी मैंने सोफ़ा कैप्चर किया है सबके नीचे में आप प्राइस देख सकते हो. तो यहाँ हर रेंज का सोफ़ा जो था अवेलेबल था, स्टार्टिंग 15,000 से लेके 80,000 तक का सोफ़ा आपको IKEA में मिल जाएगा. तो ये एल शेप का सोफ़ा था और हमने अपना एल शेप का सोफ़ा इसलिए चेंज किया बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट. तो हमें वो सोफ़ा हटाना था, तो इसलिए हम न्यू सोफ़ा के लिए गए थे IKEA एंड हमें बहुत अच्छा एक सोफ़ा अच्छा भी लगा, तो हमने उसको ले लिया, पसंद आया बहुत.
बाकी ये सारे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोफ़ा हैं, इसका प्राइस 70,000 है। तो ये सारे सोफ़ा का वहाँ पे, सोफ़ा का एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा आइकिया में कलेक्शन है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड कितने रेंज का लेना है, बजट एंड ऑल, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो, ये हमने सोफ़ा लिया, बट हमने जो सी ग्रीन कलर में आप देख रहे हो वो कलर है, सोफ़ा इज सेम बट कलर हमने जो है वो सी ग्रीन कलर का लिया था। ये सारे एल सेप के सोफ़ा हैं, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, बट आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप सोफ़ा लेने जा रहे हो तो। तो ये जो ग्रीन कलर का सोफ़ा है ये हमने लिया, एक्चुअली पहले हमने ये चूज़ किया था एंड बाद में हमें वो उनके स्टॉक में नहीं था, तो फिर हमने अपना प्लान चेंज कर लिया एंड हमने दूसरा लिया। आइकिया में ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको कुछ सोफ़ा अच्छा लगा तो यू कैन गो एंड चेक, वहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, रेड था, ब्लू था, ग्रे कलर था इसका, तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, आप चेक कर सकते हो बाय योरसेल्फ। सोफ़ा के बाद ये है फोर सीटर टेबल, चेयर्स के ये सारे कॉम्बिनेशंस थे, कलेक्शन बहुत अच्छे थे, बट हमने वहाँ से ऐसा कुछ टेबल चेयर्स वगैरह नहीं लिया, बट इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ टेबल चेयर्स कलेक्शन तो आप आराम से आ ले सकते हो। ये जो टूल किट है मैंने ये लिया, आई थिंक ये हर घर में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे स्टैंड थे जो बहुत सारे फोर्थ रैक काइंड ऑफ, तो ये 600 में आइकिया में था, जो मुझे डील बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये स्टूल काइंड ऑफ थिंग, बहुत सारे वुडन के स्टूल थे बेड के साइड में जो हम टेबल डालते हैं, तो ये भी प्राइस जो था बहुत ही रीजनेबल था, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद ये हमने छोटी मोटी जो चीज़ें थी, बाथरूम ब्रश एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें 100 रुपीज़ की थी। एंड उसके बाद से ये फ्लावर कॉम्बिनेशन जो मैंने भी एक लिया, तो वो 499 का था ये सारा फ्लावर, थोड़ा एक्सपेंसिव था बट बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। तो ये जो डबल लाइन दिख रहा है ना, वो एक सिंगल फ्लावर का, एक सिंगल फ्लावर का प्राइस था, मैंने जो लिया वो 499 का था। उसके बाद इस तरफ हमने थोड़ा प्लांट देख रहे थे, तो प्लांट वगैरह थोड़ा देखा बट हमने ऐसा कुछ लिया नहीं। उसके बाद हम इधर आ गए सोफ़ा मैट वगैरह, सोफ़ा हॉल एरिया में जो हम कारपेट वगैरह डालते हैं, वो सारे ये मैट का कॉम्बिनेशन था जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था, 8,000, 9,000, 4,000, 5,000 यही रेंज में था। स्टार्टिंग प्राइस इनका कुछ 3,000 था आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बार देख ली, हमने एक लिया भी अपने हॉल के लिए जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, कारपेट हमने लिया। तो ये सारी चीज़ें थी। आइकिया इज़ रियली बेस्ट, एंड अगर आप न्यू घर सेट कर रहे हो एंड अगर आपको अपनी सारी किचन्स रूम्स वगैरह जो भी अरेंजमेंट्स करनी है, तो उसके लिए आइकिया इज़ द बेस्ट पर्सनली मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होते हैं या फिर जो भी चीज़ कलेक्शंस होते हैं, इट्स वेरी यूनिक, सो यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स ईजली। तो गाइज हमारी आइकिया की शॉपिंग हो गई डन एंड हमने सारी चीज़ें ले ली जो भी हमें चाहिए थी, तो मैं एक बार घर पर जाके एंड आई विल शो यू कि हमने अपने न्यू हाउस के लिए क्या क्या लिया है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आप आइकिया में शॉपिंग करते हो तो बहुत पेशेंस चाहिए। हम 11 o'clock तक आए थे एंड नाउ इट्स 3:30, तो इतने देर में हमारा अभी शॉपिंग सारा कंप्लीट हो गया, तो अभी हम जाते हैं एंड बिलिंग वगैरह करा के एंड देन फिर अपनी जर्नी घर के लिए स्टार्ट करते हैं। एंड या आइकिया की वन मोर थिंग, जो भी हमने सामान लिया था हमें खुद से जाके इसकी बिलिंग करनी थी, सेल्फ बिलिंग नीचे काउंटर पे, तो हमारा हो गया अब। तो बिलिंग करने के बाद फिर हम आइकिया को बोल दिया बाय बाय एंड निकल गए हम घर की ओर। तो हम देखते हैं कितनी देर में हम घर पहुंचते हैं, बिकॉज ऑलरेडी शाम हो गया था, तो मे बी ट्रैफिक भी हमें मिलती, सो लेट्स सी कि हम कितना टाइम हमें लगता है। तो गाइज फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई डन एंड अभी टाइम कितना हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, अभी बजने वाले हैं 4 बजने वाले हैं, ठीक है। हम एक आईके आए थे कितने बजे, हमने अपनी शॉपिंग 11 o'clock स्टार्ट की थी एंड 4 बज चुके हैं, तो आप
सोच सकते हो कितना पेशेंस होना चाहिए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हम फटाफट निकल गए हैं एंड घर जाने के लिए इट्स शोइंग अराउंड 1.5 आवर, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं घर। सो चलो। सो गाइज, अभी हो रहा है 6:20 एंड अभी हम घर पहुंचे तुरंत तुरंत हमने एंट्री ली सोसाइटी में एंड आप देख सकते हो 11 बजे से ये 6 बजे तक की जर्नी जो बहुत ही डिफिकल्ट थी हमारी। तो चलो फिर घर पहुंचते हैं एंड जो भी चीजें हमने ली है आज आइकिया से विल शेयर यू। सो गाइस, फाइनली वी आर बैक एंड आइकिया की जो शॉपिंग थी आज का जो हमारा स्ट्रगल था वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हमने अपने नए घर के लिए क्या क्या लिया। तो आइकिया इज बेस्ट, व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज आइकिया में जो चीजें है ना बहुत ही आपको हर टाइप की चीजें वहां मिल जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव चीजें चाहिए, हाई क्वालिटी की चीजें चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगी। लोएस्ट में अगर आप कुछ अच्छी चीजें ढूंढ रहे हो तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। तो पर्सनली मैंने क्या क्या लिया दैट आई विल शो यू। तो आइकिया का जो ये तो प्लेट्स है जो आप देख सकते हो जो बहुत ही फेमस है, मेरे जितने फ्रेंड्स भी जाते थे तो मैं देखती थी ये प्लेट्स। एक्चुअली बहुत ही सुंदर एंड यू नो स्पेशली ब्रेकफास्ट करने के लिए तो बहुत ही सुंदर प्लेट एंड यू नो इसका प्राइस सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे, इट्स ओनली फॉर 69 रुपीज। तो मैंने यहाँ लिया दो प्लेट्स ईच 69, तो ये दो प्लेट्स थे। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसको रख देते हैं साइड वरना ये मेरे हाथ से लग के गिर भी सकता है। अब चलते हैं सेकेंड प्रोडक्ट में, ये जो आप देख सकते हो छोटे छोटे बॉटल्स सोप शैम्पू वगैरह आप इसमें रख सकते हो। इट कॉस्ट अराउंड 69 ईच, तो यहाँ मैंने 4 बॉटल्स लिए हैं। तो इसमें आप सोप एंड शैम्पू वो सारी चीज़ें हैंड वॉश के लिए स्पेसिफिक मैंने लिया, तो ये 69 ईच, तो मैंने यहाँ 4 लिया। ये बॉटल काफ़ी अच्छे एंड यू नो ग्लास जो है ना इनके जो बहुत थिकनेस है, आई मीन इट्स नॉट लाइक है बहुत ही हल्का सा एंड एक बार मतलब गिरने के बाद आई डोंट नो बट इट्स वेरी हैवी, तो आराम से आप थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा बट इट्स वेरी नाइस वेरी क्यूट। आइकिया में ये है ना बहुत ही क्यूट प्रोडक्ट मिलते हैं एंड इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव ऑल्सो जस्ट फॉर 69 रुपीज, तो मैंने यहाँ 4 लिया। प्राइस वैसे मैं सारा स्क्रीन पे भी लिख दूंगी, अगर मैं कुछ इधर उधर हो जाए अगर मैं मिस कर जाऊँ कुछ तो आई विल राइट इट इन द स्क्रीन। तो ये मैंने 4 लिया, तो इसको भी साइड कर देते हैं। Now we'll go to third product. This is a water bottle and Dheeraj ko especially chahiye tha, wo bolte hai ki you should not use plastic ke bottles, hume use nahi karne chahiye especially jab hum pani peete hai. To ye humne liya 2 bottle, to ye each bottle ka price around 160 rupees, तो ये एक बॉटल 160 रुपीज का है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे हुक भी मिले हुए हैं सो दैट यू कैन ओपन एंड अगेन यू कैन लॉक इट। तो ये भी बॉटल, दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट, नाइस, बहुत ही हैवी है। तो आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो यू शुड नॉट यूज प्लास्टिक का बॉटल, तो उसके लिए ये आइकिया में बेस्ट है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आराम से यू कैन टेक। सो ये हो गया थर्ड प्रोडक्ट हमारा डन। नाउ विल गो टू द फोर्थ प्रोडक्ट, सो दिस इज अ टूल, ये हमने एक लिया टूल बॉक्स, तो इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, आई शो यू। ये है टूल बॉक्स, आई थिंक ये हर घर में होना चाहिए, इसमें बॉक्स हर घर में होना चाहिए, आपको ये कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ ही जाएगी। ये हम कभी सोच के नहीं लेते हैं कि अरे जा रहे हैं तो ये लेके आएंगे, बट हमने सामने दिखा एंड हमें लगा कि इसका हमें यूज हो सकता है, तो हमने एक टूल बॉक्स ले लिया। इसका प्राइस अराउंड है 600 रुपीज, तो आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 टूल है इसमें एंड 600 रुपीज। ये एक्चुअली मैंने ओपन नहीं किया था एंड इट्स क्लोज लॉक किया हुआ है यहाँ से, तो मैं बस ऊपर से ही ऐसे आपको दिखाती हूँ। तो इट्स कॉस्ट अराउंड 600 रुपीज, तो ये भी बहुत अच्छा डील है, आप ले सकते हो, हर घर में ये यूज होता ही होता है। Now we'll go to the fifth product which I got from IKEA. This is a mat. ये जब हम खाना वाना खाते हैं तो उसके लिए ये मैंने 5 लिया ये एंड ये दिस इज अ वॉशेबल। तो सबसे अच्छी इसकी बात है कि आप इसको आराम से वॉश कर सकते हो एंड बहुत ही सॉफ्ट है। प्लास्टिक के जो होते हैं ना
वो आप 1 month तक यूज करोगे, उसके बाद यू नो वो मतलब उसका जो पेंटिंग होता है या फिर वो ना निकलने लगता है। तो ये है, वॉशेबल है एंड इसमें कोई प्रिंट नहीं है, सो इट्स इजी। आई मीन इसमें आपको कोई वो भी नहीं है कि अरे इसका प्रिंट चला गया तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, यू नो। तो ये प्लेन है एंड इट्स वॉशेबल। देखो ऐसे फोल्ड भी मैं कर रही हूँ, कितना सॉफ्ट है छोटू सा। तो ये मैंने 4 ले लिया। तो ये हमारा 5th प्रोडक्ट ऑल्सो डन। एंड एक और बैग मेरे पास ऑलरेडी घर पे, बहुत पहले मैं गई थी एक बार जयनगर तो मैं ये लेके आई थी, तो इसके लिए भी मुझे फ्लावर्स चाहिए थे। तो आई गॉट दिस येलो कलर का सनफ्लावर, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हो। मुझे सनफ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये इसके ही साइज का एग्जैक्ट है, तो इसमें मैं डाल सकती हूँ इसे। तो ये इस वास के लिए मैंने ये एक सनफ्लावर लिया, तो 2 फ्लावर्स के कॉम्बिनेशन थे इस वास के लिए एंड ये दोनों फ्लावर्स मैंने लिए। तो इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीस, ये सनफ्लावर मुझे मिला 100 रुपीस का एक। एंड ये भी प्लास्टिक का है, इट्स वॉशेबल, अगर धूल वगैरह आता है तो आराम से यू कैन वॉश इट ऑफ, तो आराम से घर पे वॉश कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये है, ये बहुत ही सुंदर एक हमारे पास वास था, तो इसके लिए हमारे पास एक्चुअली फ्लावर नहीं था, तो आई गॉट दिस फ्लावर एंड सी इट्स सो नाइस। ये एक्चुअली एक साथ ये सारे फ्लावर्स का ये कॉम्बिनेशन था, तो ये हमें मिला 499। तो इस वास के लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच आई गॉट। एंड इसका एक्चुअली जो साइज था ना एकदम एग्जैक्ट था जो मुझे चाहिए था, तो ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। सी How it looks, this is so nice, no? तो ये एक्चुअली आप अगर इसमें 1-2 फ्लावर डालते हो ना तो मतलब ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, वॉट आई फील। तो मैं आइकिया में ये ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसे कुछ फ्लावर के बंच मिल जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, एंड फाइनली मुझे मिल गया। तो ये इसके लिए, ये बैस के लिए ये फ्लावर, सो बहुत ही सुंदर कलर एंड यू नो बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया एंड इसका प्राइस अराउंड 499। सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस इज जस्ट अ लीफ एक्चुअली। तो ये होम डेकोरेशंस में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। इट्स अ वेरी लॉन्ग, आई थिंक इट्स 1 meter, आई फील, या इट्स 1.5 meter। तो ये एक्चुअली ये ओपन नहीं है, मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। या सी दिस इज हाउ इट इज, सी काफी सुंदर, कहीं भी आप वॉल पे या फिर मैंने इस कुछ सोच के लगाया, दैट आई विल शो यू लेटर कि मैंने कहाँ के लिए ये लिया है। सो 1.5 meter है एंड ये काफी सही है, प्लास्टिक का है एंड यू नो इट्स वॉशेबल, तो आप अगर धूल वगैरह इसमें जाता है तो आराम से यू कैन वॉश इट ऑफ। तो ये है हमारा 7th प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो डन, और मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। या एंड ये एक मैंने लिया लेमन स्क्यूज करने के लिए, तो ये मैं एक्चुअली बहुत दिन से ढूंढ रही थी जो मुझे मिला नहीं, तो ये मुझे मिला अराउंड 69 रुपीज का। आइकिया में स्टील का बना हुआ है एंड काफी हैवी है, अच्छा है, स्टील मेटल में है, तो ये मुझे 69 में मिला। तो हमारे फाइनली ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट थे वो हो गया डन। एक ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे बड़ा है, ये है हमारा कारपेट जो हमने हॉल के लिए लिया था, बट मैं अभी इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, जब मैं एक बार उधर लगाऊंगी देन आई विल शो यू कि ये कैसा है। बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिला, इट्स अराउंड 2199 रुपीज़। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा, क्योंकि इसके जो फर होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट एंड यू नो इट्स अ वेरी नाइस, यू कैन नॉट वॉश, आप इसको वॉश नहीं कर सकते हो आप, तो नहीं तो यू हैव टू यूज वैक्यूम क्लीनर। तो ये प्रोडक्ट एक बार मैं जब वहाँ लगाऊंगी अपने हॉल में देन आई विल शो यू, 1 full house का टूर मैं दूंगी, देन आई विल शो यू कि ये डालने के बाद हमारा घर का लुक कैसा आता है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें मैंने आइकिया से ली एंड सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गई, एंड हमने इतना कुछ सोच के वहाँ गए नहीं थे लेने के लिए, बट हमें थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी लगी तो हमने ले लिया। एंड 1 more thing, हमने एक्चुअली आइकिया से एक सोफ़ा लिया, तो वो सोफ़ा का फोटो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये सोफ़ा हमने लिया बट वो आने वाला है ट्यूजडे और वेंसडे को उसकी डिलीवरी है,
तो एक बार वो आने के बाद आई विल शो यू, जब मैं हाउस का फुल टूर दूंगी देन आई विल शो यू वो सोफा और ये कारपेट लगा के कि वो कैसा लग रहा है। तो आप बताना आपको ये सारी चीजें कैसी लगी। एंड आइकिया का एक छोटा सा हॉल था, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो। एंड इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आते हैं आएंगे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अपकमिंग वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं एंड सारे ब्लॉग्स देखते हैं उनको रियली थैंक्स फ्रॉम आवर एंड। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।